गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हमने इसे पढ़ाया था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि फिर से हमको समझा दीजिए। इसके लिए हम फिर से आपको समझाते, ठीक है? तो पढ़ते हैं संस्कृत सब्जेक्ट क्लास 6 12 चैप्टर, पाठ नाम है सुक्तय, ठीक है? हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणय किम प्रयोजनम। हस्तस्य मीन्स क्या हो गया, हाथ। भूषण मीन्स आभूषण या गहना। दान मीन्स दान करना, ठीक है? सत्य मीन्स सत्य। कंठ मीन्स होता है कंठ। भूषण मीन्स गहना। तो और श्रोतस्य यानी कान, जो सुनने के लिए हम कुछ करते हैं, जैसे बोलते हैं कि श्रोता सुनने वाले, तो वो है शास्त्र में शास। प्रयोजन मतलब आवश्यकता या प्रयोजन, ठीक है? हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण क्या है? हाथ का आभूषण दान है, और कंठ का आभूषण सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम, और कान का जो आभूषण है वो क्या है? शास्त्र है। अगर हमें सुनना है तो क्या सुनेंगे? शास्त्र की वाणी सुनेंगे, ठीक है? शास्त्र का शब्द सुनेंगे। ऐसे अगर है तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता? भूषणे किम प्रयोजनम, ठीक है? अगला है यथा ही एकेन चक्रे न रथस्य गति भवेत एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यन्ति। जैसे, यथा मीन्स जैसे, एकेन ही मीन्स होता है एक, ठीक है? चक्रेन मीन्स पहिया, रथ मीन्स रथ, गति मीन्स उसकी गति जो होती है उसको हम गति कहते हैं, ठीक है? तो जैसे एक पहिए से रथ की गति नहीं हो सकती, वैसे ही पुरुष कारण मतलब पुरुषार्थ बिना, मेहनत बिना, उद्यमेन बिना कोई भी काम की सिद्धि नहीं हो सकती। कोई भी काम को नहीं किया जा सकता, सफलता नहीं मिल सकती, ओके? अगला है नामन्ति फलिना वृक्षा नामन्ति गुणी, गुणी ने जना शुष्क वृक्षाश्चन मूर्खाश्चन न नमन्ति कदाचन। नमन्ति मतलब नमन, ठीक है? तो फलिना मतलब फल वाले, वृक्ष वृक्षा मीन्स वृक्ष, तो गुणीन मीन्स होता है कि जो अच्छे जन होते हैं उन्हें हम कहते हैं गुणीन, गुणवान लोग, ठीक है? शुष्क वृक्षा मीन्स होता है जो सूखे वृक्ष होते हैं उनको हम कहते हैं सूखा शुष्क वृक्षाश्रम, ठीक है? तो जैसे जैसे फला हुआ मतलब फल से लदा हुआ वृक्ष क्या करता है? धरती को नमन करता है। वैसे ही गुणी जो गुणवान जो लोग होते हैं वो सबके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है? शुष्क वृक्षाश्चन मूर्खाश्चन न नमन्ति कदाचन, मतलब जो सूखे वृक्ष होते हैं वो ठीक उस मूर्ख व्यक्ति की तरह होते हैं जो कभी नहीं झुकते हैं, ठीक है? अगला है मक्षिका बाण मिक्षन्ति धन मिक्षन्ति पार्थिवा नीचा कलह मिक्षन्ति शांति मिक्षन्ति साधवा। मक्षिका मीन्स मक्खी होता है, ठीक है? बाण मीन्स होता है घाव, ठीक है? धन मक्षिका जो है वो क्या करती है? वो मक्खी जो है वो क्या करती है कि घाव को चाहती है, ठीक है? घाव क्या, मक्खी को आप देखे होंगे कि अगर घाव किसी को हो जाता है तो वो मक्खी के आसपास मंडराती रहती है, ठीक है? धन जो है वो धन क्या चाहता है? पार्थिवा यानी राजा जो है वो धन को चाहता है। और जो है नीच जो है जो
जो दुर्व्यवहारी है, जो दुष्ट है, वो क्या चाहता है? वो नीच लोग जो है वो कलह को चाहते हैं, वो झगड़ा झंझट यही सब चाहते हैं, अशांति चाहते हैं। लेकिन जो शांति वाले लोग हैं, जो अच्छे व्यवहार वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? वो शांति चाहते हैं। शांति मिच्छन्ति साध्वा। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चा नितम च अनितम। ठीक है, क्रोध पे हम कैसे विजय पा सकते हैं? तो अक्रोधेन मीन्स होता है क्रोध के बिना, क्रोध मीन्स क्रोध, गुस्सा उसे कहते हैं। ठीक है, तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध पे हम अक्रोध से विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, और असाधु साधुना जय, और जो बुरे व्यक्ति हैं, जो उन्हें हम साधु द्वारा अर्थात अपने अच्छे कर्मों से उसे हम क्या कर सकते हैं? अच्छे साधु भाव से, अच्छे व्यवहार से हम उन्हें जीत सकते हैं। और जो जयेत कदर्यम दाने, मतलब जो कंजूस व्यक्ति है उसे हम कैसे अपने दान के द्वारा पराजित कर सकते हैं, दान के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जयेत सत्य च अनितम, और असत्य पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो असत्य पर हम सत्य के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और झूठे व्यक्ति पे हम सच के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आप लोग को अगर समझ में ना आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे है 2 नंबर क्वेश्चन, की दृशा जना न नमन्ति, कैसे लोग जो है वो नहीं नमन्ते, मतलब नहीं झुकते। ठीक है, कश्य भूषणम दानम, कैसा आभूषण दान है। ठीक है, नीचा किम इच्छन्ति, नीच जो है, नीच व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है? कस्य गति एकेन चक्रे न भवंती, कैसे गति जो है एक चक्र से नहीं हो सकता है। ठीक है, वही अनितम केन जयेत, अनितम मीन्स होता है कि अनितम मीन्स झूठ पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। केन बिना देवम न सिद्धन्ति, किसके बिना जो है वो देवम मतलब सफलता नहीं मिल सकती। ओके, अब यहाँ पे है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, देखिए है ना, यहाँ पे है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही विकल्प पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं, सुमेल कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, अब है कि यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों के विभक्ति वचन लिखिए, ये कौन सी विभक्ति के हैं और कौन सा वचन है वो लिखेंगे। यहाँ पे है निम्न शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए, हमने आपको संधि पढ़ा चुका है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप भेजिए, बोलिए, हम फिर से इधर से लिख करके आपके पास भेज देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।